Assalamu alaikum first year. Today is our lecture number 3 about thermochemistry, that is chapter number 7. इसके बारे में हम last time जो पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ first law of thermodynamics के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने work done by the system जो हमने work done किया था इसमें pressure volume work उसको discuss किया था. आज हम एंथैल्पी पढ़ेंगे. एंथैल्पी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन. और ये क्या होती है? ये भी हीट कॉन्टेंट ही है, लेकिन ये कैसे मैयर किया जाएगा ये कौन सी हीट है? ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो आमतौर पर इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और उसके साथ साथ इसके अंदर वर्क डन भी काउंट किया जाता है. ठीक है, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जिसके अंदर हम इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज और एकम्पनिंग वर्क डन बाय द गैस उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच के साथ. ठीक है, और इसको फिर हम, जैसे मैंने आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया, तो आप लिख सकते हैं एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ई प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है, दैट इज वर्क डन. ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम पीवी. तो एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी. आप नोट करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर सबके सब सिंबल्स जो हैं वो कैपिटल में लिखे हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे यूज होने वाले जो वेरिएबल्स हैं ये सब स्टेट फंक्शंस हैं. अच्छा, बाकियों के बारे में तो आपको पता है, लेकिन एच जो है इसको मैयर कैसे करते हैं? इसको मैयर जाउल्स में किया जाता है. ठीक है, और इसकी भी जो आपकी डेफिनेट वैल्यूज़ हैं एच की, यानी एंथैल्पी की, उनको कैलकुलेट करना, मैयर करना पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए इसमें भी आमतौर पर किसी सिस्टम के अंदर जो चेंज इन द एंथैल्पी है उसको मैयर किया जाता है, डेल्टा एच को. ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा इंटू पी वी. ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को ही हमने डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है. अब इसको मजीद खोलेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है ये डेल्टा जो है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी इंटू डेल्टा पी प्लस पी इंटू डेल्टा वी. यानी एक बार हमने प्रेशर का चेंज लिया और दूसरे में हमने वॉल्यूम का चेंज लिया. अब क्योंकि जो गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, याद रखें कि वही सिस्टम है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंसिडर किया हुआ था, यानी कि यही प्रेशर वॉल्यूम वर्क है जिसके अंदर हमारे पास कंटेनर के अंदर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है और गैस मौजूद है जिसको हम बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो वर्क डन करता है, और वर्क डन के दौरान वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वी वन से वी टू कर लेता है, और डेल्टा वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम को शो करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये ध्यान में रखना है कि अब ये क्या प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा पी यानी चेंज इन प्रेशर किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा. यहाँ उन्होंने गलती से इज इक्वल टू जीरो तो लिखा, लेकिन डेल्टा पी नहीं लिखा. ठीक है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो. तो अब इस इक्वेशन के अंदर अगर डेल्टा पी की वैल्यू जीरो पुट की जाए तो वॉल्यूम जो है वो अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा. तो लिहाजा ये पूरा जो है टर्म ये इसमें से ऑमिट हो जाएगी और ये रह जाएगी क्वेश्चन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा वी. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे पास आई जब हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है. अच्छा, अब जब हमने गैसेस के बजाय यहाँ पे लिक्विड या सॉलिड लें तो फिर जो चेंज इन स्टेट होगी उसके अंदर हमें जो वॉल्यूम में चेंज है वो वाजे नज़र नहीं आएगी, जैसा कि गैस में नज़र आ रही है. ठीक है, तो वहाँ पर डेल्टा वी भी हमारे पास या चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा? ज़ीरो, उसको भी ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा. तो ऐसे प्रोसेस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई तकरीबन बराबर हो जाएंगे. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई. अब ये कैसा हुआ? क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा वी है. जब कांस्टेंट प्रेशर है तो हमने ये एक वैल्यू ओमिट की थी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी भी ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई पी विल ऑल्सो बिकम ज़ीरो. तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है
ये इक्वेशन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और अगर जो डब्ल्यू है वर्क डन है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन जो बनेगी डेल्टा ई की वो क्या होगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। अब ये डेल्टा ई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फोर में अगर पुट करें, इक्वेशन नंबर फोर हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन है, ठीक है, जब हमने कांस्टेंट प्रेशर पर इसको लिया था, ठीक है, गैसेस के लिए। अब इसको इसके अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा ई की, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, जो डेल्टा ई की दरअसल वैल्यू है, प्लस पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये डेल्टा ई की वैल्यू हमने डेल्टा ई की जगह यहाँ पे लगा दी, और प्लस पी इंटू डेल्टा वी ये ओरिजिनली उस इक्वेशन में एंथाल्पी के इक्वेशन में मौजूद है। अब आप ये देखें कि ये दोनों एक ही वैल्यू है माइनस और प्लस साइन के साथ, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। अब क्योंकि ये प्रेशर हमने इसमें कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ है, लिहाजा हमें ये शो करना होगा जब भी हम ये जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है एक ऐसे इंथाल्पी चेंज एक ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ पे वर्क डन जो है हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डेल्टा एच हमेशा क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो पी छोटा सा लिखा जाता है इसकी बेस में, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। दिस शोज दैट चेंज इन एंथाल्पी इज इक्वल टू द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, रिएक्शंस जो भी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर कैरी आउट होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे देन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो वर्किंग विद डेल्टा एच इज मोर कन्वीनियंट रादर देन डेल्टा ई, कि हम आमतौर पर डेल्टा एच के साथ काम करते हैं डेल्टा ई के मुकाबले में। अब हमने नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस तैयार करनी है, जिनमें फर्स्ट जो डेफिनेशन है ये सब डेफिनेशन एंथाल्पी के हवाले से ही है, एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन के जो सिंबल है वो डेल्टा एच होता है। अब डेल्टा एच के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आपको नॉट नज़र आ रहा है, ये नॉट जो है ये शो करता है स्टैंडर्ड वैल्यू को। ठीक है, तो जब नॉट लगा हुआ है तो हम इसे क्या क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आप पहले ये समझें कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो उसके अंदर जो हीट कंटेंट या एंथाल्पी होती है प्रोडक्ट्स की यानी H2 और रिएक्टेंट्स की H1, अगर उनको कंपेयर किया जाए तो रिएक्टेंट्स की एंथाल्पी ज़्यादा होती है, हायर वैल्यू होती है, और प्रोडक्ट्स की लोअर होती है यानी H2 कम होती है। ठीक है, तो अगर डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथाल्पी को मेजर किया जाएगा तो वो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि H2 जो है वो लोअर वैल्यू है और H1 जो है वो हायर वैल्यू है, तो ये आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो हम कहेंगे लॉस इन एंथाल्पी हुई। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसके अंदर इसका ऑपोजिट होता है, यानी प्रोडक्ट्स की यानी ये डेल्टा H2 की वैल्यू जो है वो हायर होती है एंथाल्पी, और रिएक्टेंट्स की कम होती है यानी H1 की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर जब डेल्टा एच का कैलकुलेट किया जाता है H2 माइनस H1, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर गेन इन एंथाल्पी हमें नज़र आता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हमें लॉस इन एंथाल्पी नज़र आता है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लें, स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इज द एंथाल्पी चेंज विच अकर्स व्हेन द सर्टन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज इंडिकेटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्ट टूगेदर कम्प्लीटली टू गिव द प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, जिसको हम 298 केल्विन भी कह सकते हैं, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स में होने चाहिए। तो इसके लिए जो यूनिट्स होंगे यानी कि इस एंथाल्पी को मेजर करते वक्त वो कौन से यूज़ होंगे, किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन आपने यहाँ से इसको तैयार कर लेना है विद वन एग्जांपल, और एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O,
ठीक है, बैलेंस्ड लिखनी है आपने, क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो आपकी ये डेफिनेशन के मुताबिक नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -285.8 किलो जाउल्स पर मोल। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा एच वैल्यू जो है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो माइनस के साथ शो हो रही है और -285.8 किलो जाउल्स पर मोल है। इसी तरह एक और डेफिनेशन करेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच नॉट, इसके नीचे छोटा सा एफ लिखा जाएगा बेस में, जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को शो करेगा। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। यहाँ पर हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, उनके एनर्जी चेंज को स्टडी करेंगे जिनके अंदर एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से कंपाउंड्स बन रहे होते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, 1 मोल कंपाउंड जब बनता है अपने एलिमेंट से, तो उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड कहेंगे। इसकी डिनोट करना है आपने डेल्टा एच नॉट एफ से। ठीक है, यहाँ पे भी तमाम जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होंगे वो अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स में होंगे और रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में होगा, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यूनिट्स यहाँ पर भी किलो जाउल्स पर मोल ही होंगे। एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। एक है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाते हैं। 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए जो एनर्जी यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इसकी, वो नेगेटिव में है, यानी कि एक्सोथर्मिक है ये प्रोसेस, -692 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल फॉर्म होता है बाय रिएक्टिंग 1 मोल ऑफ कार्बन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो -393.7 किलो जाउल्स पर मोल है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह हमने बाकी डेफिनेशंस भी तैयार करनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।